हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने कान्हा जी की, कृष्ण भगवान की, लल्ला की छठी का दिन है, पांचवा दिन है। कुछ लोग 6 दिन मनाएंगे, कुछ लोग 5 दिन मनाएंगे। तो मैं अपने घर की नहीं, हमारे घर के पास 3 मूर्ति मंदिर है, वहाँ पर झांकी सजी है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। और घर का मंदिर नहीं दिखा पाए, थोड़ी बहुत पूजा करी, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे। आप लोग को मालूम है घर में हमारे यहाँ भागदौड़ बहुत हो रही है। मैं ही भागती हूँ, डिलीवरी हुई है भाभी की। तो आज हमारे भगवान जी की, लल्ला की भी है और आज हमारे कन्हैया की भी है, मतलब हमारा जो बाबू है हुआ है ना, उसकी भी छठी है। तो बने रहिएगा वीडियो को, पहले ही लाइक कर दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से और राधे राधे लिखिएगा ज़रूर। और पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा। और देखिए कितने प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा नज़ारा है। और बहुत प्यारी झांकी सजी थी यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा था। मेला जैसा भी लगा था लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, तो थोड़ा सा बस आप लोगों के लिए बना लिए, क्योंकि जब आए थे हॉस्पिटल तो मंदिर पास में भी था ना, तो थोड़ा सा बना लिया कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बनता है, इतना बड़ा त्यौहार है, त्यौहार के हमारे लल्ला की जन्मदिन है, बर्थडे है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है थोड़ा तो शेयर करेंगे ना आपके साथ। तो गाइस कैसा लग रहा है? रामा देवी लोग जानते होंगे अगर कानपुर से हैं, 3 मूर्ति मंदिर, ये वही मंदिर है। तो हम अभी शुरू करेंगे, अभी घर चलेंगे लल्ला के लिए। जो हम अपने कन्हैया के लिए कपड़े वगैरह लाए हैं ना, वो आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। रोड पर ही मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद भी मिल रहा था, चंदा मेज़ वगैरह, और आज तो कड़ी चावल भी मिलेगा। और यहाँ पर हम आ गए। तो गाइस ये है कपड़े, तो ये मैं ना हल्के कपड़े घर में पहनने के लाई हूँ, जैसे बाबू डेली में पहन लेगा, चड्डी बनी है इन्हें। और ये रहे हमारे कान्हा जी के कपड़े, कन्हैया के कपड़े। ये देखिए, मैं कान्हा है तो कान्हा मतलब हुआ है कन्हैया जन्माष्टमी में, तो उसी के लिए, उसी के हिसाब से लाए। आज छठी है, जैसे कि कृष्ण जी की आज छठी है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ कन्हैया की भी छठी है। तो जाहिर सी बात है लाना बनता है। और ये टॉवल है, और यहाँ पर कपड़ा है, और लड्डू भी है, मीठा भी ले जाते हैं। लेकिन अभी मैं ना पायल वायल नहीं, पायल क्या वो क्या कहते हैं, कड़े वड़े नहीं। मेरे पास जो कपड़े थे ना, मेरे पास जो जैसा बना वैसे ही मैं लाई हूँ अपने कन्हैया के लिए, जो कपड़े आपने देखे जैसे कि। और अभी चांदी का जैसे लाना होता है तो नहीं ला पाई, क्योंकि नहीं हो पाया, आप सब जानते हैं। आप लोग से कोई बात नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि थोड़ा हाथ तंग है। यहाँ पर पूजा हो रही है छठी की, यहाँ पर मैं हूँ, मम्मी हैं, छोटी वाली भाभी हैं, गोलू हैं, और बड़ी वाली भाभी अपने कमरे में हैं। क्योंकि कॉलोनी थोड़ा थोड़ा दूर पर है ना, तो ऊपर आप लोग को बता दें ऑपरेशन हुआ है तो 4 मंजिल नहीं चढ़ सकती ना, तो वो अपने कमरे में है। तो हम लोग पूजा करवा देंगे, यहाँ पे पूजा कर देंगे, छठी पूज देंगे, तब वहाँ पर चल के खाना खिलाएंगे भाभी को, जो होता है यहाँ पर आयुष है। तो कपड़े कैसे लगे बताइएगा, सारे कपड़े। और अभी ना 5 महीने में जब मुंडन करेंगी ना, तब मैं कड़े वगैरह दूंगी जो होगा उससे, मतलब कड़े दिए जाते हैं बच्चे को, खरवा पैर का और कड़ा। अभी बन नहीं पाया मेरे से, और घर में ही, और छठी घर में हुई थी, कोई बाहर में कोई नहीं था, सिर्फ हम ही पूरी फैमिली थी। मैं, 3 भाई बहन, मम्मी, बस यही पूरा हमारा ही पूरा परिवार था, बाकी कोई नहीं था। क्योंकि हॉस्पिटल से आए हैं अभी, आज ही आए, आज ही छठी, 5वें दिन छठी होती है हमारे यहाँ। तो ये छठी में कपड़े पड़े जो मैं लाई थी सब रख दिए गए थे। छठी मैया को पूजा जाता है, लड्डू वगैरह जो दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे गोलू है। अब हम खाना पैक करके चलेंगे, लल्ला को तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखिए कन्हैया को तैयार कर रहे हैं, आधा तैयार कर दिया था, पहले तैयार होते थे बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने चालू नहीं किया। और कैसा लग रहा है हमारा कन्हैया, और हमारे कन्हैया की नज़र न लगे, आप लोग नज़र उतारिएगा, देखिए कितना प्यारा, कितना क्यूट लग रहा है। अभी रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद पोपो रोने भी लगे कान्हा जी, तो कान्हा जी को दूध दे दिया, बोतल वाला दूध पी रहे हैं।
यहाँ पर अभी मैंने गोद में लेके रखा है। और ये भैया भाभी का कमरा है, रूम है, ठीक है। और ये भाभी है बड़ी वाली, इन्होंने भी येलो साड़ी पहनी है। ये साड़ी भी भाभी को हम ही ने दी है ना, इनको दी थी मतलब, है। और ये बाबू को अब दोनों ने येलो पहन लिया तो अच्छा लग रहा, मुझे खुशी मिल रही है कि चलो दोनों ने मतलब मेरे ही दिए हुए कपड़े पहने, मुझे अच्छा लगा। और बाबू के तो पूछिए मत, वाकई ये बिल्कुल काना लग रहा, बिल्कुल कन्हैया जी जैसे भगवान जी ने लल्ला, वैसे श्री कृष्णा जी बिल्कुल। जन्माष्टमी में हुए और छठी भी बिल्कुल सेम टाइम पड़ रही है, हर जी की छठी मनाई जा रही है। और आपको बादल की आवाज़ भी आ रही होगी, और मौसम का हम क्या बताएं, ऐसा बारिश हो रही है। भीगते भीगते इनको छठी पूजने आए थे, यहाँ लड्डू खिला रहे सबको, क्योंकि बुआ जो होती है ना सबको लड्डू खिलाती हैं, और मैं मीठा लेके आई सबके लिए और सबको खिला रही हूँ लड्डू। तो इतना मौसम, इतना बिजली कड़क रहा है, इतनी बारिश हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी आगे आपको सीन दिखाऊँगी, मैं थोड़ा सा क्लिप बनाया, लाइट चली गई थी तब बनाया है। और यहाँ भाई को खिला रही हूँ, मम्मी को, सबको लड्डू लाई थी, सबको खिला रही हूँ, मैं मीठा करा रही हूँ, लीजिए पापा जी, लीजिए दादी जी, सबको दे रही हूँ। तो इस टाइप पे अभी मैंने, अभी बने रहिएगा वीडियो बहुत। ये चाची जी हैं बउआ की, कन्हैया की, हमारी कन्हैया की चाची जी हैं, कन्हैया के बड़े भाई कार्तिक भैया हैं, और आयुष भैया हैं, पीयूष भैया हैं, और सुधांशु भैया हैं, ये भी छोटे बाबू, इनसे छोटा तो वही कन्हैया है, छोटे वाले भाई के बेटे हैं। तो बेटे बेटे हैं, पांच बेटे हैं, ये सबसे बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया ये हमारे आयुष हैं, आयुष बाबू। और यहाँ पर भाभी खाना खाने के लिए, तो मम्मी ने कहा कि नंद भौजाई शायद पता नहीं खाया जाता, साथ में बैठाल के खिलाया जाता, नहीं तो भांजा साथ में बैठना चाहिए, ऐसा होता है। तो हमने ऐसा भी होता है क्या, मुझे तो याद भी नहीं था, हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं खा लेते हैं, लेकिन तुम दोनों मिल के खाओ, हमने अच्छा। तो वही भाभी के साथ मुझे भी खाना था, तो मैं ज़्यादा खाना नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनके साथ दे दिया था, एक दो और मैंने भी खाया। तो यहाँ पर जिसके जैसा होता है, हमारे ऐसा जैसा हो रहा है, मैं बता रही हूँ। पहले छठी जो पूजी गई, भाभी को खिला दिया, भाभी भी मुझे खिलाई। और मतलब जिसकी छठी होती है ना, छठी पूजन होता है जब खाना खाती है माँ, तो बच्चा को ना गोद में लेके ही खाया जाता है, ऐसा रूल है। क्योंकि जितना गोद में लेके खाओगे तो बच्चे का भी पेट भरेगा, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर भाभी ने भी खाना स्टार्ट कर दिया था। भाभी छठी में ना जिसकी छठी होती है उसको पहले खिलाया जाता है, जैसे पहले भगवान जी को, छठी मैया को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ना उनको खिलाया जाता है जिनकी छठी हो रही है। और ये पेंसिल और कल उसमें लिखवाया जा रहा है कि कन्हैया नाम है ना, तो के अक्षर लिखवा दिया उसके हाथ लगवा के कन्हैया से, और राधे राधे लिखवा दिया है, ताकि ये पेंसिल पूजी जाती है पेंसिल, और ये ताकि बच्चा पढ़ाई में अच्छा निकले। और यहाँ देखिए कन्हैया राधे राधे, ये देखिए। और बाबू हमारे बैठे हैं बांसुरी लेकर, हमारे कन्हैया कैसे लग रहे हैं कमेंट करिएगा। अब बारी आती है काजल लगाने की, काजल लगाने की जब बारी आई तो मैंने अपने लल्ला को तो भैया लगा दी दोनों आँखों में काजल, ये देखिए मैं दोनों आँखों में लगा दी अपने लल्ला को काजल। लेकिन कहते हैं ना, यही तो समय होता है, थोड़ा सा हमारा हक बनता है और हक से शगुन लेना चाहिए, तो शगुन लेने का हक बनता है बुआ का, देने का भी बनता है और लेने का भी बनता है, ठीक है। तो बाबू को तो लगा दी, और यहाँ पर बारी आ गई है उनके मम्मी पापा जी को, सबको लगाने की। तो मम्मी जी को मैंने लगाया उनकी आँखों में, मैंने एक आँख में लगा के उनको छोड़ दिया, यानी ये कौन सी बात है, एक में और लगाओ, हमने नहीं लगेगी, अरे लगाओ भाई, हमने नहीं लगाएंगे आप लोग देखिए यहाँ पे
कह रहे अरे एक आँख ही में, हमने हाँ एक आँख में, हमने एक आँख में ना भाई के लगा देंगे, बस हो जाएगा एक आँख में आपकी एक आँख में भाई के। कह रहे भैया एक आँख लगाओ, हमने आओ एक आँख में लगा दे, तो ये भाई को भी लगा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती चल रहा था, कह रहे भैया नहीं दोनों आँख में लगाओ, नहीं नहीं एक आँख ही में लगाएंगे, एक आँख में लगा के इनको भी छोड़ दिया हमने। अभी एक आँख ही में लगाया है, शगुन मिलेगा तब लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, अभी मुझे शगुन मिलने वाला है। और मुझे शगुन देने के लिए भाई ने अलमारी खोली है, अब लॉकर से निकाल रहे ताला खोल के, तो ताला खोल के लॉकर से शगुन निकाल रहे, तो मुझे शगुन मिल गया है। अब चलो भाई लगा देते हैं दोनों को दूसरी आँखों में। तो ये प्यार होता है भाई बहन का, और ये हक भी होता है बहनों का, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा सभी लोग। और लगा दिया मैंने इनकी आँखों में, दूसरी आँखों में भी लगा दिया। और हमारे कन्हैया तो मज़े से सो रहे हैं बांसुरी वासुरी लेकर, है ना। तो अभी भाई को भी लगा देते हैं, मैंने सबको लगाया, बच्चों को भी लगा दिया, अभी काजल बनाया तो मैंने सबको लगा दिया। और यहाँ पर ये पीछे कमरा है, यहाँ पर भैया भाभी सोते हैं और पैर छू रहे हैं। मैंने आशीर्वाद दिया, दूधो नाओ पुत्र फलो के, फिर से हे भगवान बार बार ये आशीर्वाद मत दो, बहुत हम परेशान हो गए। हमने कोई बात नहीं, पावर बहुत है। और ये छोटी वाली भाभी को काजल लगवा के, नहीं हम नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाना पड़ेगा, एक आँख ही लगाएंगे, एक आँख में गोलू को लगाएंगे। अब एक आँख लगा के हमने छोड़ दिया, अरे नहीं इसमें भी लगाओ आके, ये क्या कर दिया। तो हमने चलो अच्छा लगा देते हैं, हमने गोलू को बुला के लाओ शगुन लेके आओ, पहले सबको लगाया मैंने, सबको लगाया, अच्छा लगता है ना। ऐसा कभी कभी मोमेंट बनते तो अच्छा लगता है घर में। आप लोगों को हमारे यहाँ का कैसा लगा बताइएगा। आइए आप सब भी कढ़ी चावल खा लीजिए, छठी का मेन तो कढ़ी चावल ही होता, बाकी तो कुछ भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके यहाँ जैसा बनता है। कढ़ी चावल तो छठी में पूछता है, और यहाँ मैं कढ़ी चावल खा ली। और ये देखिए क्या हो गया मौसम। और वीडियो बिल्कुल अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, जाते जाते खुदा ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिएगा। ओके फैमिली लव यू, बाय बाय। और जितना बादल गरज रहा है, इतना बिजली कड़क रही, मैं क्या बताऊँ। आप लोग देखिए सुनिए ध्यान से देखिए, लव यू फैमिली, बाय बाय।